ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। अकेला ही फौज के बराबर। We have to get this stop. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कॉल टाइगर। भरोसा भी, हिम्मत भी और ताकत। क्या महेश मांडरे कर लेंगे डायरेक्शन का जिम्मा? इन एक्टर्स की लगेगी लॉटरी? क्या रितेश भाऊ करेंगे कैमियो? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियो। दोस्तों, सलमान खान खुद इतने मजाकिया किस्म के इंसान हैं कि वो कभी भी पूरी तरह से सीरियस मूड में ले जाने वाली फिल्में नहीं बनाते। उनकी फिल्मों में वो मजाकियापन, वो अतंगी अवतार और धमाल होता ही है जिससे ऑडियंस एंटरटेन होती है। कुछ ऐसा ही मिक्सचर हमें देखने को मिला 2009 में रिलीज हुई फिल्म वांटेड में, जिसमें देखा ना आपने कि राधे की वो गुंडागर्दी और साथ ही उसका जलवा कोई कैसे भूल सकता है। और अब आपको इससे भी दो गुना तीन गुना मजा आने वाला है फिल्म का सीक्वल देखते हुए। जी हाँ, सीक्वल आने वाला है, तो आप सभी तैयार हो जाइए। पर सिर्फ सलमान का नाम फिक्स करके कैसे चलेगा? उनके जोक्स सुनने के लिए, उनकी डायलॉग बाजी सुनने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही ना। तो यहाँ पर बात हो रही है फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर्स की, पर इस बार कुछ मराठी एक्टर्स भी सपोर्टिंग किरदार के तौर पर नजर आ सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता चला है कि वांटेड फिल्म में सलमान के करीबी दोस्त महेश मांजरेकर नजर आए थे, जो एक मशहूर मराठी एक्टर और डायरेक्टर है। इस फिल्म के बाद दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। और इतना ही नहीं, जहां महेश मांजरेकर मराठी बिग बॉस को होस्ट करते हैं, वही सलमान खान हिंदी बिग बॉस को होस्ट करते हैं और एक दूसरे के सेट पर पहुंचते हैं धमाल मचाने के लिए। अब ये तो 90% श्योर है कि महेश मांजरेकर भी सीक्वल का हिस्सा होंगे, पर क्या वो डायरेक्शन का जिम्मा भी उठाएंगे? वेल, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर उनके साथ कोई ऐसा राइटर हो जो अच्छी कहानी या आइडिया के साथ उनसे हाथ मिलाए तो ये मुमकिन भी है। वैसे हम बात कर रहे हैं मराठी एक्टर प्रवीण तरडे की। आपने अंतिम फिल्म देखी होगी, जो मराठी फिल्म मुल्शी पैटर्न की रीमेक है और जिसे प्रवीण ने लिखा है। साथ ही प्रवीण सलमान की फिल्म राधे में भी दगड़ू दादा बनकर नजर आए थे। दोस्तों, वैसे महेश को प्रवीण की कहानियों में काफी पोटेंशियल दिखता है और सलमान को भी ऐसी कहानियां पसंद आती हैं। तो प्रवीण अगर ऐसी दमदार कहानी लिखे तो वांटेड 2 को महेश डायरेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मराठी एक्टर सिद्धार्थ जाधव, गश्मीर महाजनी, आदित्यनाथ कोठारे, सुमित राघवन जैसे हिंदी मराठी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले एक्टर्स को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि ये दमदार और फाइनेस्ट एक्टर्स हैं। और रोहित शेट्टी की फिल्मों में आप मराठी एक्टर्स को देखते हैं, तो सलमान की फिल्म में भी ये नजारा देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि इनमें से किसको ये मौका मिलता है और क्या प्रवीण भी कहानी के साथ साथ किरदार के तौर पर फिल्म का हिस्सा बनते हैं या फिर नहीं। वैसे मराठी एक्टर्स की अगर बात हो रही हो और रितेश देशमुख का नाम ना लिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम जानते हैं कि रितेश हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करते हैं, पर वह है तो मराठी। उनकी फिल्म लय भारी में सलमान कैमियो करते नजर आए थे। उन्हें मराठी फिल्म में काम करने में काफी दिलचस्पी है और उन्होंने अपनी इच्छा पूरी भी की। तो दोस्तों, क्या अब वांटेड 2 में रितेश कैमियो करते नजर आ सकते हैं? तो क्यों नहीं, जिस तरह से वांटेड फिल्म में जलवा गाने में गोविंदा और अनिल कपूर की एंट्री हुई थी, उसी तरह इस बार अकेले रितेश देशमुख भी आ सकते हैं। और जहां रितेश और सलमान मिलते हैं वहां पर धूम धड़ाका तो होता ही है। तो सलमान भाऊ और रितेश भाऊ मिलकर अपना जलवा दिखा सकते हैं। वैसे आप कितने एक्साइटेड हैं इस मजाकिया जोड़ी को देखने के लिए? आप अपनी राय जरूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए अब इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।